Here I come. तो फाइनल दोस्तों आई एम बैक, कैसे हो आप सब, उम्मीद है आप सब बढ़िया होगा। तो फाइनल दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी की डिमांड पर रिकॉर्ड न्यू वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर, जो कि भाई कल के वीडियो में आया था कमेंट की पवन सिंह के सॉन्ग पर वीडियो बनाकर लेके आइए। तो फाइनल लेके आ चुका हूँ, तो आगे भी नेक्स्ट सॉन्ग आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो बनाने के लिए सॉन्ग बीट मार और सेकंड बीट वीडियो को जिसमें मिल जाएगा, दोनों को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, अलाइन से एप्लीकेशन को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग सॉन्ग बिटमार्क और न्यूज से की फीडी आप लोगों को दो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन मिलेगा, दोनों को इंपोर्ट करना है। और यहाँ पर जितना फोटो वगैरह इसमें यूज करूँगा वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से जाकर ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर सॉन्ग बिटमार्क पर आ जाना है। जैसे आप सॉन्ग बिटमार्क क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग यहाँ पर देखिए, रेड जो ऑप्शन होगा, रेड जो लेयर होगा इस पर क्लिक करना है, कलर फील पर जाके यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आप फोटो को लगा लीजिएगा। ठीक है, और फोटो आप गैलरी से अपना ले लीजिएगा, और सारा फोटो चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे फोटो लेंगे ये बैकग्राउंड में लग जाएगा, बट अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि दोस्तों इसमें इफेक्ट जो है थोड़ा आपको सही करना पड़ेगा, जो ऊपर वाला सबसे होगा उसको पकड़ना है और इसको डिलीट कर देना है, देखिए सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप का ऑप्शन आएगा, एडिट ग्रुप का आ जाना है, और यहाँ पर आप लोगों को नीचे में बिना स्टेटस टैग मिलेगा, इस पर क्लिक करके कलर फील पर जाके यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर कोई फोटो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए ये वाला फोटो हम ऐड करते हैं। फोटो ऐड करने के बाद यहाँ पर आ गया, फिर बैक कर देंगे और यहाँ पे आगे आ जाएंगे और फिर से वही काम करेंगे, एडिट पर जाके यहाँ पर क्लिक करके आप कलर फील पर जाके यहाँ पर क्लिक करके फोटो को यहाँ पर कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, फोटो ऐड होने के बाद आप थोड़ा सा आप और चाहिए तो इधर कर सकते हैं, उधर कर सकते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर हो गया, इस तरीके से बैक कर दीजिएगा, फिर आगे आइएगा, देखिए ये हो गया। अब फिर आगे आके फिर दूसरा भी वही काम करना है, फिर से एडिट ग्रुप में जाके फिर वही काम करना है। ठीक है, दूसरा कोई फोटो ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मूवमेंट जाकर थोड़ा सा इधर कर लूँगा। ठीक है, अपने हिसाब से कर लीजिएगा, फिर बैक कर दीजिएगा, और देखिए यहाँ पर हो गया, और फिर यहाँ पर भी लगा लीजिएगा, फिर यहाँ पर भी लगा लीजिएगा तीनों। ठीक है, जब लगाने के बाद दोस्तों क्या करिएगा, अब आगे आ जाइएगा, यहाँ पर आइएगा तो इस तरीके से खाली आप लोगों को बीट देखने को मिलेगा, बैक कर देना है, और बैक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सेकंड फेड में आना है। सेकंड फेड में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर दो लेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि न्यू इफेक्ट बनाया हूँ। अब दोनों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर क्लिक करके कॉपी टू लेयर्स पर क्लिक करना है, बैक कर देना है, सॉन्ग बिटमार्क में आ जाना है, और सॉन्ग बिटमार्क में आने के बाद यहाँ पर आ जाना है आप लोग को 1.24। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके डबल बॉक्स पर क्लिक करके पेस्ट लेयर करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बीट के हिसाब से सेट हो जाएगा। रेड वाला जो आइकन होगा इस पर क्लिक करके आप कलर फील पर जाके यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर फोटो को लगा सकते हैं। ठीक है, फोटो लगाने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर क्लिक करना है, दोनों को फिर से कॉपी कर लेना है और फिर से आप लोग को पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको फिर से स्पीड आप क्लिक करके बड़ा कर लेना है, इसको क्लिक करके बड़ा कर लेना है। ठीक है, बड़ा कर लीजिएगा और इसमें अलग कोई फोटो ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि एक फोटो रहेगा तो अच्छा दिखने में नहीं लगेगा, इसलिए अलग अलग फोटो को ऐड करिएगा। ठीक है, देखिए हो गया, फिर आगे आना, फिर यहाँ फिर से आप लोग को पेस्ट करना है, मतलब पेस्ट करते हुए आप लोग को आगे डबल बीट मिल जाएगा 7.28, यहाँ तक आप लोग कर लेना है, फिर आगे आना है और फिर से आप लोग ग्रुप को एडिट ग्रुप पर जाके फोटो को ऐड कर लेना है, और यहाँ पर आइएगा 8.25। ठीक है, 8.25 आइए, बैक कर देना है, और यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर सेकंड फीड में आना है, और यहाँ पर आप लोग को चार लेयर देखने को मिलेगा, सर्कल और ये। ठीक है, चार लेयर को यहाँ पर क्लिक करना है और दो और एक तीन लेयर को छोड़ देना है, चार लेयर को पहले आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है, मतलब कॉपी कर लेना है, और यहाँ से बैक करके सॉन्ग बिटमार्क में आ जाना है, और आप लोग को यहीं पे आ जाना है यहाँ पर। ठीक है, 8.25 था, यही सही। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आप पेस्ट करिएगा तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली बीट के हिसाब से सेट होगा। ठीक है, और जो बड़ा होगा आप कट कर सकते हैं इस तरीके से, जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हो गया ना, इसमें आप लोग रेड वाला में सिर्फ आप लोग को फोटो लगा लेना है। ठीक है, रेड वाला में। ठीक है, और फोटो जो भी लगाइएगा एक ही फोटो रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान रहे आप लोग को, एक ही फ़ोटो जो भी, मतलब दूसरा भी लगा सकते हैं, लगाना होगा तो लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, बट एक ही रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, दिखने में लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया ना, फिर से आप लोग वही काम करना है, फिर से कॉपी कर लेना है और फिर से आप लोग क्लिक करके फिर से पेस्ट कर देना है, ये ऑटोमेटिक सेट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करिएगा इसको इधर थोड़ा सा कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप पहले बीच वाला को मिला लीजिएगा, फिर ये सब को कट कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रहे आप लोग को,
जैसे मैं बताया हूँ वैसे आप लोग को कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, इसे क्लिक करके फिर से पेस्ट करना, बड़ा होगा। आप इसको कट कर सकते हैं, लेकिन इसको आप लोग को सेट कर लेना है, ठीक है। इसको नहीं कट करना है, ठीक है, ध्यान रहे, इसको बस आप लोग कट करना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर लेना है, और इस पर अलग अलग फ़ोटो ऐड कर लीजिएगा। यहाँ से लेके आप लोग को यहाँ तक कर लेना है 15.25-26 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, बैक कर देना है। फिर से आप लोग को सेकंड पेड में आना है, और आप लोग को फिर ये दो जो लेयर मिल रहा है ये वाला, दोनों का यहाँ पे कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद लास्ट वाला को आप लोग को इफेक्ट को यहाँ पे कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद यहाँ से बैक कर दीजिएगा, फिर सॉन्ग बीट मार्क में आ जाइएगा, और यहाँ पे आ जाना है आप लोग को फिर से यहाँ पर, ठीक है। 15.26 तक यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट टू लेयर्स कर दीजिएगा, यहाँ से पेस्ट कर दीजिएगा। फिर से इसमें आपको फिर से क्लिक करके फिर से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करिएगा तो इसमें अलग अलग फ़ोटो आप ऐड कर लीजिए, कलर स्पील पे जाके आप दूसरा कोई फ़ोटो ऐड कर लीजिए, ठीक है। फोटो ऐड करने के बाद यहाँ से बैक करके आप लोग को इस तरीके से यहाँ से लेके इसी तरीके से पेस्ट करते हुए आप लोग को आ जाना है यहाँ पर, ठीक है, 22.26 तक, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से आप लोग को इफेक्ट लेयर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग को इसमें चेंजेस करना है, मतलब कुछ बनाना है, लेकिन इसमें लेयर्स वाले इसमें लिख दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर करना क्या है मैं बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को ग्रुप पर आ जाना है और एडिट ग्रुप पर आ जाना है, और यहाँ पे जो नीचे आपको बिना स्टेटस्टिक दिख रहा है इस पर क्लिक करना, कलर फील्ड पे जाना है, यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर पहले फ़ोटो ऐड करिए, ठीक है। मान के चलिए ये वाला फ़ोटो ऐड कर लेते हैं, फिर बैक कर देना है, फिर आगे आ जाना है, और फिर से आप लोग को यहीं पे आ जाना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक फ़ोटो आपने सही किया, फिर दूसरा पर क्लिक करके एडिट पर जाके फिर इसमें आप लोग अपना फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, या कोई भी, मतलब जो भी आप लोग को लगाना है, ठीक है। यहाँ पर फ़ोटो ऐड कर लीजिए, दो फोटो ऐड हो गए, फिर आगे आ जाना है, और फिर से आप लोग को यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद देखिए इसमें दोनों फ़ोटो आप लोग को शो हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। फिर आगे आ जाना है, और कॉपी इफेक्ट जो हमने किया था प्लस में क्लिक करना है, 26 पॉइंट पर आके यहाँ पर फोटो ऐड करके आप लोग फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा, और यहाँ पर बिट के हिसाब से कट करके इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इसे प्लस में क्लिक करना, मीडिया पर जाना, फिर से दूसरा कोई फोटो ऐड करना, फिर से वही काम करना है, सिंपली आप लोग को पेस्ट करके आप लोग को लगा लेना है, मतलब, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से पेस्ट लास्ट तक कर दीजिए तो आप लोग का वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, शेयर कम क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। इसी के साथ से वीडियो को समाप्त करते हैं, और बाकी इस वीडियो में कुछ कहना चाहते तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के लिए।